करौली में नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव का पूरा मामला आ। करौली जिला मुख्यालय के लोगों को बड़ी राहत। आज से कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे बाजार। 10 दिनों बाद इंटरनेट सेवा भी बहाल। तो 10 दिनों के बाद इंटरनेट सेवा भी बहाल की गई है। तो करौली में नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव का ही पूरा मामला आ। करौली जिला मुख्यालय के लोगों को बड़ी राहत मिली है। आज से कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील दी गई है। तो वहीं सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। 10 दिनों के बाद इंटरनेट सेवा भी बहाल। अपने आप में कुछ सुखद तस्वीरें इस वक्त करौली से नजर आ रही है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए, इंटरनेट की मांग भी की जा रही थी आम लोगों की तरफ से, क्योंकि इंटरनेट बहाली एक अपने आप में बड़ा मुद्दा था। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, 10 दिन तक इंटरनेट सेवा ठप रहना लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। जहां ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग संबंधी सभी कार्य बाधित थे। इसके अलावा कई प्रकार की परेशानियां इंटरनेट के बिना लोगों को सामना करना पड़ रही थी। जब भी बात आती थी कर्फ्यू में ढील की, लोगों की ओर से प्रमुख रूप से इंटरनेट बहाली की मांग उठाई जाती थी। कल देर शाम से इंटरनेट सेवा बहाल की गई है। इसके चलते आज ई मित्र सेंटर खुले हैं, इसके अलावा अन्य कामकाज भी हो पा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाएगा जहां कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील दी गई है और इंटरनेट सेवा शुरू की गई है, इससे लोगों के चेहरे से तनाव दूर हुआ है और एक तरह से सुकून की स्थिति नजर आ रही है। इंटरनेट शुरू होने से लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। मनोज, किस तरीके का माहौल इस वक्त करौली में? जी बिल्कुल, सुबह 9 बजे से बाजार खुलने थे, सुबह 9 बजते ही बाजार खुले हैं, ग्राहकों की भीड़ नजर आ रही है। इसके अलावा जो ई मित्र केंद्र हैं और अन्य इस प्रकार के इंटरनेट आधारित कामकाज हैं वो भी शुरू हुए हैं। तो एक तरह से माहौल जो है, लोगों से बातचीत हुई है, उसमें लोगों का कहना है कि अब हालात सामान्य हो रहे हैं और कहीं कोई जो बात उपद्रवियों के कारण छोटी मोटी हो गई थी, अब उसको लोगों को भुलाकर फिर से उसी स्थिति में लौटना होगा और लोगों का यही मानना है कि अब सुकून है और सभी शांति से रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी के लिए।